अंजुमन गर्ल्स स्कूल के सारे लोगों को मेरा तहे दिल से सलाम। मैं जन्नत जुबैर फाउंडेशन के इको चाम्स के साथ, तो तैयार रहिए मेरे साथ बहुत सारी मौज मस्ती करने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आप सभी को मिस्टर फैजून जन्नत जुबैर ने ज्वाइन किया इको बेस फाउंडेशन। सो गाइस, एक्चुअली आप लोग जानते हो कि फैजून जन्नत बहुत सारी चीज़ें एक जैसी ही करते हैं, एक चीज़ ही ज्वाइन ही करते हैं, एक जैसी चीज़ें ज्वाइन करते हैं। सो गाइस, हुआ ये कि मिस्टर फैजून ने ज्वाइन किया बालों फाउंडेशन। बहुत पहले ज्वाइन कर लिया था फैजून ने, जहाँ फैजू बीच क्लिनिक पे पहुंचे थे, एंड बहुत सारी होता है फाउंडेशन की तरफ से, जहाँ पे अब जन्नत जुबैर ने भी उसी टाइम पर ज्वाइन किया था। और गाइस, अब बालों फाउंडेशन ने एक नई चीज़ खोली है जिसका नाम है इको बेस, यानी कि जो कौन साइंस है उसके जरिए कुछ वो करने वाले हैं अपने फाउंडेशन के जरिए। वो क्या है वो तो अभी वो आगे रिवील करेंगे, जिसको फैजू एंड जन्नत दोनों ने ही ज्वाइन कर लिया है, जहाँ पे वालमा फाउंडेशन ने खुद इस बात को रिवील किया कि हाँ फैनत ने ज्वाइन किया, बिकॉज उन्होंने फोटो शेयर करी कि किन किन सेलिब्रिटी ने ज्वाइन किया। जो फोटो अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, जहाँ पे बहुत सारे सेलिब्रिटी, एक फोटो मेरे जरा रहे, दूसरी फोटो में आप देख सकते हो फैजू ने जरा रहे, जहाँ पे फैजू ने इको बिज का बोर्ड पकड़ रखा है। वहाँ पे फैजू के साथ कुछ और लोग भी नजर आ रहे हैं, वालमा फाउंडेशन जिनका है वो भी साथ में नजर आ रहे हैं। सो गाइस, यही है जहाँ पे आप देख पा रहे हो, इस पे लिखा भी पड़ा है बालमा फाउंडेशन इको बेस। सो गाइस, इसको मिस्टर फैजू ने ज्वाइन कर लिया। अगर आप फैजू का कपड़ा नोटिस करो तो ये कपड़ा उस दिन का, यानी कि फोटो उस दिन का है जिस दिन मिस्टर फैजू पहुंचे थे लोला प्लाजा इवेंट में। सो गाइस, जैसे आप लोग जानते हो कि मिस्टर फैजू लोला प्लाजा इवेंट में पहुंचे थे, जन्नत भी वहाँ पर पहुंची थी, बट गाइस एज यूजुअल फैन का कुछ भी नहीं आया। और गाइस, आप लोग सोच रहे हो कि आपको कैसे पता कि फैजू यही आउटफिट पहन के पहुंचे थे, बिकॉज गाइस फैजू जब लोला प्लाजा के लिए जा रहे थे तो फैजू ने वीडियो शेयर करी थी इसी आउटफिट में, जहाँ फैजू ने लिखा था लेट्स गो लोला प्लाजा। लेकिन गाइस, एज यूजुअल फैन मिले कुछ भी शेयर नहीं किया फैंस के लिए, लेकिन इस आउटफिट से मेरे लगता है कि उसी दिन का फोटो है फैजू का। और गाइस, करण जौहर से भी जब फैजू मिले थे तब भी फैजू ने यही आउटफिट पहना था। अब कन्फ्यूजन है कि लोला पलोजा जो फैजू गए थे, फैजू ने सेम आउटफिट पहना था, करण जौहर से फैजू मिले थे तो सेम आउटफिट पहना था। अब आप लोग कमेंट बताओ आपको क्या लगता है कब का फोटो होगा या फैजू को बालमा फाउंडेशन को जो कि आज शेयर किया गया, कमेंट में जरूर से बताया। सो गाइस, फैजू ने भी इको बेस ज्वाइन कर लिया है, जन्नत जुबैर ने बहुत पहले ही ज्वाइन कर लिया था, बिकॉज जन्नत जुबैर ने बहुत पहले एक वीडियो शेयर करके इस बात की अनाउंसमेंट कर दी थी कि जन्नत जुबैर ने भी ज्वाइन कर लिया। अंजुमन गर्ल्स स्कूल के सारे लोगों को मेरा तहे दिल से सलाम। मैं जन्नत जुबैर इस मंडे 12 बजे आपके स्कूल बैनर आ रही हूँ भामला फाउंडेशन के इको चाम्स के साथ, तो तैयार रहिए मेरे साथ बहुत सारी मौज मस्ती करने के लिए, खेलने कूदने के लिए और खुशियाँ बांटने के लिए। सी यू। यानी कि फैनत को एक जैसी चीज़ करना, एक जैसी फाउंडेशन को ज्वाइन करना बहुत अच्छा लगता है, कोइंसिडेंट करना, इसलिए आई थिंक सो फैनत इस दोनों ने ज्वाइन किया। आपका भी ओपिनियन तो कमेंट बताओ। आज की वीडियो में इतने, ऐसे और फैजू एंड जनरल के छोटे से बड़ा हर टाइप का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।